पंजाब हरियाणा के जम्मू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का आज 10वां दिन है। किसानों ने दिल्ली कूच करने का प्लान फिलहाल 2 दिन के लिए टाल दिया है। किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान शिवकरण सिंह की मौत और तनावपूर्ण हालत के बाद ये फैसला लिया है। किसान मजदूर मोर्चा कोऑर्डिनेटर सरवरन सिंह पधेर ने कहा कि 2 दिन हम रणनीति बनाएंगे, 23 फरवरी को अगला फैसला लिया जाएगा। पंधेर ने पुलिस फायरिंग पर का फोटो जारी कर कहा कि शिवकरण सिंह 23 साल गांव बलहौर जिला भटिंडा की मौत हो चुकी है। ऑन द स्पॉट जो सिर पर गोली लगी थी उसकी तस्वीर साझा कर रहा हूं। इसके साथ ही सीधी फायरिंग होती दिखी है जिसकी तस्वीर भी साझा कर रहा हूं। सीधी SLR के साथ फायरिंग की जा रही है। वहीं हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन ने रोड जाम करने का ऐलान किया है। इसके अलावा किसान नेता खनौरी बॉर्डर जाकर शिवकरण सिंह की मौत के मामले में वहां डटे किसानों से जानकारी लेंगे। बॉर्डरों के ऊपर खनौरी और शंभू के ऊपर सरकार ने टीयर गैस और हाई एक्सप्लोजिव जो इस्तेमाल किए उसकी निंदा करनी चाहिए। खनौरी बॉर्डर के ऊपर शिवकरण सिंह जो 23-22 साल का नौजवान, उनकी मौत हो गई है और 3 और गंभीर जख्मी हैं, जिनमें से अभी मिसिंग पर्सन भी बहुत ज्यादा है। और जो केंद्र के अर्धसैनिक फोर्स है उन्होंने पंजाब की हद में घुसकर खिनौरी के ऊपर 25 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जो नुकसान किया है और एक बुजुर्ग को जो हरियाणा का था बोरी में डालकर उनके लात पांव तोड़कर उनको खेतों में फेंका गया है और पूरी बर्बरता से कार्रवाई की। देखो मेरी गल सुनो, आज नहीं सीधी फायरिंग की उन्होंने, वो 13 तरीक तो लगातार सीधी फायरिंग बमबारी कर रहे ने, जिस तरह के दूसरे किसी विदेशी देश के नाल किते जंग लगी होंगी बार्डर के उत्ते। इन्होंने तो मतलब कि सानू किसानों नू एक विदेशी मूल दे जिस तरह के दुश्मन समझ के इस तरह के दुश्मन के नाल भी व्यवहार नहीं किया जाता। जिस तरह दियाँ तुसीं मैनूं यह दसो संसार भर के जेडे मनुखता की गल करन वाले ने उहदे विच ही जिथे बुद्धिजीवी वर्ग आउंदा है उहदे नाल नाल जेडे मानयोग हाई कोर्ट मानयोग सुप्रीम कोर्ट अते UNO तक गल पहुँचाउण वाले समूह लोगों नूं इक बेनती करनी चाहुंदा, जिस तरह साढ़े नाल दुर्व्यहार जिस तरह साढ़े देते ये जड़ा तशद्द ते जुल्म होया ये एक इतिहास है। वेखो तुसीं कि जड़ा असी मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा है।